आदमी विकलांग शरीर से नहीं होता है, मन से होता है। अगर मन से विकलांग हो गया तो हमेशा के लिए विकलांग हो गया। स्वागत है आप सबका। मैं विवेक बिंद्रा, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, आज वापस आया हूँ हिंदी की एक नई कार्यशाला में सफलता का एक नया सूत्र देने के लिए। और सफलता का एक और सूत्र क्या है? शकुनी को जीवन से निकाल दीजिए। एक हम होम और टाइम, शकुनी को जीवन से निकाल दीजिए। आपका सलाहकार कौन है? हु इज योर एडवाइजर? आपका सलाहकार कौन है? पांडव श्री कृष्ण से सलाह लेते थे, कौरव शकुनी से आपका सलाहकार कौन है? जानते हैं भगवान राम से कौन ज्यादा प्रेम करती थी? कौशल्या या कैकेयी? एक हम होम और टाइम, कौशल्या या कैकेयी? ए भगवान राम से ज्यादा प्रेम कैकेयी करती थी, लेकिन जन्म देने वाली माँ कौशल्या थी। प्रेम ज्यादा कैकेयी करती थी, जन्म देने वाली मां कौशल्या थी, पर हुआ क्या? एक मंत्रा बीच में आ गई। समस्या क्या है? सफलता का एक और सूत्र है आज कि आप मंत्रा को जीवन से निकाल दो, आप शकुनी को जीवन से निकाल दो। मंत्रा वो पत्नी नहीं है जो आपके घर में बैठी है। क्या लगता है आपको? वो मंत्रा है? नहीं, वो मंत्रा नहीं है। मंत्रा की जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो क्वालिटी आपके आसपास है, मंत्रा के समान जो लोग आपके आसपास है, उनसे बच के आपको रहना पड़ेगा। जानते हैं क्यों? उसका कारण समझिए। क्योंकि जो मंत्रा शकुनी जैसे लोग हैं वो आपके जीवन में क्या करते हैं? स्ट्रेस बढ़ाते हैं। और कृष्ण के प्रकार के लोग जो वास्तव में असली बड़े लीडर्स हैं, वो आपके जीवन में बेस्ट बढ़ाते हैं। क्या चाहते हैं आप जीवन में? स्ट्रेस बढ़ाना चाहते हैं या बेस्ट बढ़ाना चाहते हैं? स्ट्रेस बढ़ाना चाहते हैं या बेस्ट बढ़ाना चाहते हैं? ढूंढिए आपके जीवन में, आपके जीवन में कौन क्या बढ़ाएगा, आपका सलाहकार कौन है। काफी लोग यहां वीडियो देखते हुए सोच रहे होंगे मैं खुद ही अपने आप को सलाह देता हूं। जानते नहीं है आप घोर अज्ञानता के लक्षण प्रकट कर रहे हैं। आप जाने अनजाने में कई जगह पे कई लोगों से सलाह ले रहे हैं। बिकॉज व्हेन यू वैल्यू समबडीज वैल्यू सिस्टम, हिज वैल्यू सिस्टम बिकम्स योर वैल्यू सिस्टम। लिसन टू मी वेरी केयरफुली सर। अगर आप सफल बनना चाहते हैं, देखिए आइकॉनिक ग्रेट लीडर्स अपना समय कहां लगा रहे हैं, उनका फोकस कहां पे और आपका फोकस कहां है, आपका समय कहां बीत रहा है। मैं पूछता हूं आपसे, मैंने क्या पूछना है आज आपको? बड़े कमाल की एक बात बतानी है आपको कि योर सैलरी इज मोस्ट लाइकली अ मीडियन ऑफ फाइव पीपल यू लाइक टू एसोसिएट विद। आपके आसपास के पांच लोग कौन है? ध्यान दीजिएगा, योर सैलरी इज मोस्ट लाइकली अ मीडियन ऑफ फाइव पीपल यू लाइक टू एसोसिएट विद। आपके आसपास के जो पांच लोग हैं उनकी कितनी तनख्वाह है वो निर्धारित करेगा कि आपकी कितनी तनख्वाह होने वाली है, किसके साथ आप उठते बैठते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। किसी एक फिलोसोफर की मैंने एक बात सुनी थी, बड़ी अच्छी लगी मुझे। कहते हैं शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई टेल यू योर फ्यूचर। कम ऑन, बड़ी कमाल की बात लगी मुझे। क्या कहते हैं? शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई टेल यू योर फ्यूचर। मुझे अपने दोस्त दिखा दो, अपने मित्र दिखा दो, आपके आसपास कौन है, मैं आपका भविष्य आज ही प्रेडिक्ट कर दूंगा आपका भविष्य कैसा होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल है साहब। स्वामी विवेकानंद ने बड़ी अच्छी बात कही कि पानी वही है, हाथ में गिर गया तो आप पी सकते हैं, नाली में गिर गया तो आप पांव भी नहीं धो सकते हैं। हाथ में गिर गया तो आप पी सकते हैं, नाली में गिर गया तो पांव भी नहीं धो सकते हैं। पानी केवल वही है, अगर वो सीप में गिर गया तो मोती बन जाएगा। आप वही हैं। किसके आसपास रहते हैं वो निर्धारित करेगा आपकी ग्रोथ कितनी होने वाली है, किस प्रकार होने वाली है। देखिए आसपास बहुत बीमारियां फैली हुई हैं। दो तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, एंटीसेप्टिक और प्रोफिलैक्टिक। ध्यान दीजिएगा, एंटीसेप्टिक और प्रोफिलैक्टिक। एंटीसेप्टिक कब इस्तेमाल करते हैं? जब बीमारी अंदर चली जाए आपके, तो आप एंटीसेप्टिक, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक देता है ताकि अंदर की बीमारी ठीक हो जाए। लेकिन जो बाहर की बीमारियां हैं उनका क्या किया जाए? उसको बोलते हैं प्रोफिलैक्टिक। मेडिकल साइंस के अंदर इसका क्या अर्थ होता है? पोलियो की दवाई तब नहीं दी जाती जब पोलियो हो जाता है, पोलियो की दवाई तब दी जाती है जब पोलियो बाजार में फैला होता है और आपको ना हो जाए, इसीलिए पोलियो की दवाई दी जाती है। छोटे बच्चे को 3 साल के, 2 साल के पोलियो की दवाई दी जाती है, इसलिए नहीं कि उसको पोलियो हो गया है, इसलिए कि उसको पोलियो ना हो जाए। ठीक उसी प्रकार जब आपको बीमारी अंदर होती है उसकी दवाई तो लेते हैं, जो बीमारियां बाहर फैली हुई हैं नकारात्मक सोच की, जो बीमारियां फैली हुई हैं जो आपको कन्विंस करने में लगे हैं, आपके बचपन में कुछ लोगों ने आपसे कहा था तू बेकार है कुछ नहीं कर सकता, ये बात आपके मन में घर कर जाएगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेटल हो जाएगी। किस प्रकार के लोगों के साथ आप बैठे हैं वो निर्धारित करेगा कितना तेज आप ग्रो करेंगे। व्हेन यू वैल्यू द वैल्यूएबल्स, listen to me very carefully, when you value the valuables you neither get the valuables nor you get the values, but when you value the values of right people, listen to me very carefully, when you value the values of right people valuables come so fast you can't even manage. I'll go back to it one more time, listen to me very carefully, when you value the valuables neither the value stays nor the valuable, but when you value the values valuables come so fast you can't even manage. Sir, आपकी क्या values हैं, क्या valuables हैं, कहाँ आपका focus है, किसके साथ आप उठते बैठते हैं निर्धारित करेगा। बंबई की ट्रेन के अंदर अगर आप घुसे, अंदर बहुत लंबी लाइन के अंदर बंबई की ट्रेन में अगर घुसे, आपको क्या करना है? उन लोगों के बीच में जाके खड़ा होना है जिनका लक्ष्य है ट्रेन के अंदर घुसना। वो धक्का मार के अपने आप घुसा देंगे आपको, मेहनत नहीं करना पड़ता है। मेहनत तो केवल तब करना पड़ता है जब आपके आसपास इस प्रकार के लोग ना हो जो आप करना चाहते हो वो भी वही करना
चाहते हो। इसीलिए क्या करना है, जीवन में एकांत में जाना है। एक बार मोर टाइम, जीवन में एकांत में जाना है। अभी आप सोच रहे होंगे, अभी कह रहे थे ट्रेन की भीड़ में, आप कह रहे हैं एकांत में। एकांत के दो अर्थ होते हैं, पहला अर्थ होता है एकदम अकेले में, और दूसरा अर्थ होता है उनके साथ में जिनका एक अंत हो, जिनका भी वही अंत हो जो आपका अंत हो, जिनका भी वही गोल हो जो आपका गोल हो। तो एकांत मतलब केवल एक अंत, यानी कि जिसका वही गोल है जो आपका गोल है। जब इस प्रकार के लोगों के साथ बैठते हैं, एनकरेजमेंट तेज मिलता है साहब, स्पीड बढ़ जाती है, आपकी मानसिकता आपकी वास्तविकता बनाएगी, कोई नहीं बनाएगा। जानते हैं जब आपका वैल्यू सिस्टम बिलीफ सिस्टम मजबूत होता है, मैसिव बिहेवियर मैसिव प्रोडक्टिविटी अपने आप आती है, मेहनत कम लगती है, रिजल्ट ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि आपके आसपास के लोग हैं जो आपको उठा देंगे। क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, कौन सा मूवी, कौन सा म्यूजिक, किस प्रकार के नॉवल पढ़ते हैं, क्या मैगजीन पढ़ते हैं। यू नो व्हाट, हैव द जीनियस अराउंड यू टू अट्रैक्ट द जीनियस विद इन यू। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, हैव द जीनियस अराउंड यू टू अट्रैक्ट द जीनियस विद इन यू। इसीलिए कब से कह रहा हूं कि सफल वही आदमी बनेगा जो शकुनी के साथ छोड़ देगा। ये सफलता का आज एक और मंत्र है, कई मंत्र मैंने पहले चर्चा किए, आगे भी करता रहूंगा, बिकॉज द सोसाइटी विल प्रिपेयर योर बिलीफ सिस्टम किसके साथ आप रहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, छोड़ दीजिए शकुनी का साथ, अपनी ग्रोथ पर फोकस करिए, ऐसे लोगों पर फोकस मत करिए, उनके साथ मत समय बिताइए जो आपको खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, जिनका वैल्यू सिस्टम कुक का खराब है। अगर आप चाहें भी अपनी मनस्थिति को मजबूत करने के लिए, ये परिस्थितियां आप पे हावी हो जाएंगी। अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करिए, अपनी बुद्धि पे इन्वेस्टमेंट करिए, शरीर पे इन्वेस्टमेंट तो सब लोग करते हैं, शरीर पे इन्वेस्टमेंट, शरीर पे समय तो एक पशु भी लगाता है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इन्वेस्टमेंट कहां करिए, अपने शरीर पे नहीं, अपनी बुद्धि पे करिए। जिस दिन आपकी मानसिकता मजबूत हो जाएगी, गो फॉर लर्निंग वेकेशन, लर्निंग वेकेशन पर जाइए, अपनी पढ़ाई करिए, ट्रेनिंग अटेंड करिए, कोर्सेज अटेंड करिए, पावरफुल किताबें पढ़िए, ऐसी मोटिवेशनल बुक्स, मोटिवेशनल वीडियो देखिए, ऑडियो कास्ट अटेंड करिए, वीडियो कास्ट देखिए, कई वीडियो पॉडकास्ट भी बहुत सारे आते हैं। मॉर्निंग में चलते चलते मैं ऑडियो बुक्स को सुन रहा हूं आजकल। यू नो ऑडियो बुक्स इज लाइक एक्चुअली रीडिंग द एंटायर बुक व्हाइल थ्रू योर ईयर्स। आप फ्लाइट के अंदर, ट्रेन के अंदर, बस के अंदर, जगह जगह, समय उतना ही है आपके पास, ग्रोथ आपकी उसी समय के अंदर होनी है। सारे बड़े अरबपतियों के पास उतना ही समय है। किसके साथ आप संग करते हैं, जैसा संग वैसा रंग। छोड़ दीजिए शकुनी का साथ, आपका सलाहकार कौन है? लिसन टू मी वेरी केयरफुली, फाइंड आउट अ कोच, मेंटर, गाइड, काउंसलर इन योर लाइफ। आपका सलाहकार कौन है? एक पावरफुल सलाहकार अपने जीवन में ले आइए जो आपको उठाएगा, बढ़ाएगा, आगे लेके जाएगा। आसपास के लोगों की मानसिकता को आप नहीं बदल सकते हैं। आपके आसपास बहुत से लोग होंगे, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, उनकी मानसिकता को आप नहीं बदल सकते हैं। आसपास के लोगों की मानसिकता को हो सकता है आप नहीं बदल सकते हैं, पर आपका चुनाव आपके पास है। आप चुन सकते हैं कि आप उन लोगों को ही अपने जीवन से बदल सकते हैं, कुछ नए लोगों को ला सकते हैं। क्योंकि नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के जीवन में हर समाधान में भी समस्या है, सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के जीवन में हर समस्या का भी समाधान है। आप किस प्रकार के व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं जो 99 समाधान में भी एक समस्या ढूंढ लेता है, या इस प्रकार के व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं जो 99 समस्याओं का भी समाधान ढूंढ लेता है? जानते हैं जीवन में समाधान बढ़ाना है, समस्या नहीं। समस्या वाले लोगों से दूर रहिए। इसीलिए सफलता का एक और सूत्र, शकुनी को जीवन से निकाल दें, मंत्रा को जीवन से निकाल दें, तभी आप जीवन में सफल होंगे। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका लाभ हुआ है तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिए, हो सकता है उनको भी लाभ हो जाए। वीडियो अगर आज तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए। लगातार मुझसे मिलने आते रहिए। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच।